सेवा, ये शब्द आप लोग बचपन से सुनते आए हैं। आप लोग जब पैदा हुए तो आपकी सेवा मां बाप ने की, इसके बाद सेवा 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 ये भगवत प्राप्ति तक शब्द चलता चला गया। और दो प्रकार की सेवा होती है, एक सेवा शरीर संबंधी, एक सेवा आत्मा संबंधी। तो शरीर संबंधी सेवा तो आप लोग जानते हैं और करते भी हैं, मां बाप बेटा स्त्री पति संबंधी, इन सब की सेवा आप कर रहे हैं। लेकिन ये सेवा अज्ञान की सेवा है। क्यों? इस सेवा का फल भविष्य में नहीं होता, जीरो, मरने के बाद मां अलग गई, बाप अलग गया, बेटा अलग गया, बीबी अलग गई, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जा रहे हैं। आपने जिसकी सेवा की वो बातें खत्म हो गई। ये शरीर के रिश्तेदारों का, हमने शरीर भी लगाया शरीर के रिश्तेदारों के प्रति, मन भी लगाया और धन भी लगाया। एक एक शब्द पर ध्यान दो, तन मन धन, ये तीन से सेवा होती है। तो संसार को, संसारी रिश्तेदारों को, शरीर के रिश्तेदारों को हमने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, और मरने के बाद क्या मिला? ये सेवा का बस ये फल मिला कि जिससे हमने सेवा का संबंध रखा बस उसके पास चले गए। देखिए बड़ी सीधी सी बात है वेदों की कि चार पर्सनैलिटी है और एक मन है आपका। तमोगुणी व्यक्ति या तमोगुणी सामान नंबर दो, रजोगुणी व्यक्ति या रजोगुणी सामान नंबर तीन, सत्वगुणी पर्सनैलिटी या सत्वगुणी सामान, ये तीन तो है माया के एरिया में। यानी इन तीनों में कहीं भी आपने तन मन धन से सेवा की है तो 84 लाख में घूमते रहेंगे। सात्विक देवता की सेवा तो इन्हें गिने लोग करते हैं। अब दो गुण रह गए, रजोगुण तमोगुण।
हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारी बेटी, ये जिस गुण के हैं बस उसी का फल मिल जाएगा मरने के बाद। हम आज जिसके पूज्य हैं, पिता कहलाते हैं, कल अपने बेटे का बेटा बनेंगे। क्यों? इसलिए कि हम अपने बेटे से प्यार करते हैं। प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय का 32वें अध्याय का 20वां श्लोक। हम जिससे प्यार करेंगे मरने के बाद फिर उसी के बच्चे बनेंगे, वहीं जाएंगे। अगर वो गधा बना तो हमको गधे का बच्चा बनना पड़ेगा। क्यों प्यार किया आपने तमोगुणी से, रजोगुणी से? भगवान का ऑर्डर है केवल मुझसे प्यार करो, बाकी जगह व्यवहार करो, ड्यूटी करो। अपने जीवन का जितना भी क्षण तन मन धन संबंधी है वो भगवान कहते हैं मेरे प्रति करो, और प्रमुख रूप से मन। मन का अनन्य प्रेम मेरे प्रति हो, माने राधा कृष्ण और उनका जन संत, ये दोनों शुद्ध हैं। इनसे प्यार करेगा मन तो मन शुद्ध हो जाएगा, और किसी को लाएगा मन तो वो गंदा है, या तो सत्वगुणी होगा या तो रजोगुणी होगा या तो तमोगुणी होगा, ये माया के गुण वाले ही सब है, तो वे हमारे मन को और गंदा कर देंगे। तो अर्जुन से भगवान ने कहा, देखो जी बड़ी मोटी सी बात बता रहा हूं मैं, रट लो। क्या? यान्ति देव व्रता देवान पितरीन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या और यान्ति मज्जाजिनो पिमाम, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता। जो देवताओं से प्रेम करेगा तन मन धन से वो स्वर्ग जाएगा, और जो संसारी अपने मृत्यु लोक के मां बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करेगा वो उसके साथ जाएगा, वो जहां भी जाए। और जो मुझसे या मेरे जन से प्यार करेगा वो मेरे लोक में आएगा। तुमको क्या चाहिए बोलो? हमको दुख निवृत्ति चाहिए और आनंद प्राप्ति चाहिए, बस। हाँ, ये दोनों चीज मेरे पास है, न स्वर्ग में है न मृत्यु लोक में है, न तुम्हारी माँ बाप बेटा स्त्री पति देगा और न स्वर्ग के देवता ही दे सकते हैं, ये तो केवल हरि गुरु देता है, उनके पास है इसलिए देता है। अरे भाई देखो, जैसे आपकी चार लड़की हो, आपने चार लड़कों से ब्याह कर दिया, एक लड़का आईएएस में आ गया, अब वो मैम साहब हो गई, हाँ? एक बेचारा क्लर्क रह गया तो वो बबुआइन कहलाने लगी, एक लड़का और था वो कहीं नौकरी नहीं मिली चपरासी हो गया, एक लड़का और था वो शराबी कबाबी हो गया तो उसकी बीबी भिखारिन हो गई। यानी जिससे ब्याह हुआ
उसी की प्रॉपर्टी मिल जाती है संसार में। ऐसे ही हमारा मन जिससे प्यार करेगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति हो जाएगी। तो अर्जुन, हर मनुष्य सोच ले हमको क्या चाहिए, जो चाहिए बस वही मन का अटैचमेंट करे, बाकी से दूर रहे। देखो आप लोग बाजार जाते हैं सामान खरीदने, किसी को चप्पल खरीदना है और बाजार में घुसा तो पहले मिठाई की दुकान मिली, वहां खड़ा नहीं होता, देखा आगे कपड़े की दुकान मिली, कहीं झगड़ा नहीं करता और कहीं खड़ा भी नहीं होता, और आगे गया ये चप्पल की दुकान थी, वहां घुस गया, अपना चप्पल खरीदा, घर आया। ऐसे ही हमको ये डिसाइड करना है हमको क्या चाहिए। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम डिसाइड करके और अपने मन पसंद का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्वर्ग चाहिए, इंद्र की भक्ति करो और कहीं ना करो। आपको अपना बाप चाहिए, बीबी चाहिए, बेटा चाहिए मरने के बाद फिर से, हाँ तो उसी से प्यार कर लो, तन मन धन से सेवा करो। नहीं जी, हम इस जन्म में तो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं स्त्री की, पति की, बेटे की, बेटी की, मरने के बाद गोलोक भी चाहते हैं। वाह वाह वाह, बड़े चालाक है आप, भगवान को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अरे ये तो संसार में भी नहीं हो सकता, हम एक आदमी की दिन भर सेवा करें और तनख्वाह दे पड़ोसी, ऐसा कैसे होगा। वो कहेगा ना कि जाओ जहां सेवा किया है वहां पैसा लो, हमसे कहीं मांगने आए हो। तो भगवान से तुम चाहते हो उनका आनंद, उनका ज्ञान, उनका लोक, और प्यार करते हो संसार से। तो ऐसी ही गलती तो संसार वाले भी नहीं कर सकते, सर्वज्ञ भगवान कैसे करेगा। तो अनन्य प्रेम की शर्त इसीलिए भगवान ने लगाया है, रसग्वम हेवायम, वेद कहता है एव तमेव विदित्वा, एव माने ही। इसीलिए जब जीव शरणागत होता है भगवान के तब बोलता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश च सखा त्वमेव, तुम्ही मेरे सब कुछ हो। अरे राम अवतार लेके आए कि हम आदर्श स्थापित करेंगे माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई बेटे सबके प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, किया हा? लेकिन उन्हीं के सगे भाई लक्ष्मण वो कहते राम तुम करो अपना, मैं नहीं करता। अरे तुम हमारे भाई हो करके और हमारे सिद्धांत के विपरीत काम करोगे। हां ध्यान देकर सुनो, तो लक्ष्मण कहते हैं भाई देखो आप जो हमसे कहते हैं ना कि भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, पिताजी सीरियस बीमार है, तुम यही रुको, मैं नहीं मानता। अरे मैं बड़ा भाई हूं, मैं भाई भाई नहीं मानता आपको जी, अहम तामन महाराजे पितृत्वम नोपि लक्ष्य, मैं दशरथ जी को बाप नहीं मानता। अरे रे रे क्या बोल रहे हो लक्ष्मण, हाँ हाँ बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हो, ये बोल रहा हूं कि भरता
पिता च बंधुश्च। हमारे भाई बाप पिता च में राघव, राम है मेरे बाप। ये लोग क्या बोल रहा है लक्ष्मण, तू पागल हो गया है? पागल नहीं, वेद के अनुसार बोल रहा हूं। प्रत्येक जीव का पिता भगवान है, माता भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है उसका। ये माँ बाप बेटा स्त्री तो बदलते रहते हैं हर जन्म में। कितने बाप बना डाले हम लोगों ने, कोई गिनती है? कितनी माँ बन चुकी हमारी, अरे वो कुतिया और गधी भी माँ बन चुकी है अनंत बार। हर जोनी में हम जा चुके हैं। कहां गए हो? सब बदलते गए, शरीर छूटा कि जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जा रहा है। अब उसके बाद वाला जहर खा के मरे तो भी अलग जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, सब कुछ तुम हो राम, और मैं किसी को नहीं जानता। कोई मरे कोई जिए, हमसे कोई मतलब नहीं। ये अनन्य भक्ति है। और हम लोग, हमारी मम्मी बीमार है, हमारे बाप बीमार है, हमारी बेटी के बच्चा होने वाला है, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैं बंबई जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे बच्चे हो गए, उनको निपटा दिया, आप छुट्टी करो ना, अब तो भगवान की ओर चलो। हाँ हाँ, चल रहे हैं भगवान की ओर भी, अरे भी नहीं ही चलो, भी चलते चलते तो अनंत जन्म बीत गए। ये भी से काम नहीं चलेगा, ही लगाना होगा। देखो, भगवान को पाने का रास्ता सबसे सरल है। सब लोग ध्यान दो, संसार पाने में सबसे कठिनता, स्वर्ग पाने में और कठिनता, मोक्ष पाने में सबसे कठिनता, लेकिन भगवान के पाने में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि देखो, संसार में अगर कोई लड़की जिद कर ले कि हम तो प्राइम मिनिस्टर के लड़के से ब्याह करूंगी, करो जिद, अनशन करो, जहर खा के मर जाओ, वो नहीं मिलेगा। वो प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, तुम एक चपरासी की लड़की हो। अरे मैं प्यार करती हूं, अरे भाड़ में जाए तुम्हारे प्यार ही। एक आदमी 1 करोड़ कमाना चाहता है, सारे जीवन लगा हुआ है बिजनेस में या सर्विस में, 420 कर करके मर गया, लेकिन मरते समय लखपति भी नहीं हुआ। पढ़ा लिखा था और एक अंगूठा छाप, अरबपति है। हम दसियों अरबपति के घरों में रहे हैं, जानते हैं। कुछ नहीं अकल है जिसे, उसके यहां बड़े बड़े काबिल नौकर हैं और वह अरबों का मालिक है। पूर्व जन्म के उसके दान वगैरह कर रखा था, वो फल मिल गया उसको। तो कोई भी संसारी सामान पाने में बड़े बड़े नियम हैं। अरे मैं आपको बताऊं, आप दंग रह जाएंगे। चित्रकेतु ने 1 करोड़ ब्याह किया,
एक करोड़ बीबी और बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ और बच्चा पाने की वासना बना लिया और ब्याह करते गए एक के बाद एक। अंत में उन्होंने अंगिरा महात्मा आए घर पर तो उनका बड़ा स्वागत स्वागत करके और कहा महाराज एक बच्चा हो जाए, हम राजा है, हमारे बाद कौन संभालेगा पृथ्वी को। उन्होंने कहा अरे तुम बच्चे के चक्कर में क्यों पड़े हो, अच्छे हो ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने प्रारब्ध के खिलाफ बच्चा दे दिया। अब एक बीबी को बच्चा हो गया, वो महीने भर का भी नहीं हुआ कि सारी बीबियां मिलकर उसको मार दिया, जहर दे दिया। अब राजा का बुरा हाल। फिर आए महात्मा जी, कहे कहो बेटा मैंने कहा था ना कि इस झगड़े में न पड़ो, अच्छे हो ऐसे ही, ये बेटा बेटी तुम्हें गोलोक नहीं देंगे और बंधन बनाएंगे, हमारी इच्छा पूरी करो पापा, हमारी ये बात पूरी करो। अरे आराम से रहो तो कौन बेटा तुमसे ये कहने आएगा हमारी इच्छा पूरी करो, अकेले है जी, हाय चक्कर नहीं है हमको। जब मन में आए भक्ति करें, जब मन में आए जहां जाएं। और अगर एक बीबी आ गई तो कहां जा रहे हो, सत्संग में यह सत्संग सत्संग लगा रखा है, नहीं चलेगा, हमसे ब्याह किया है, घर बैठो, मैं पापा से कह दूंगी। लड़ाई शुरू हो गई। वो बेचारा भगवान की ओर जा रहा था बचपन से, हमें मैम साहब ने रोक दिया। सब मेरे साथ में देखता हूं, डेली अनुभव करता हूं। तो हर वस्तु के पाने में परिश्रम है, फिर भी वो मिले ना मिले, पैसा चाहते हैं नहीं मिला, दिन रात परिश्रम किया, दुकान पर बैठे रहे सवेरे से रात तक, लेकिन घाटा हो गया, बजाय करोड़पति बने बनने के कर्जदार हो गए। अरे देखो अभी ये शेयर मार्केट का नाटक कैसा हुआ हमारी दुनिया में, $31 अरब के लक्ष्मी मित्तल एक साल के अंदर $9 अरब के रह गए, 1/4। अनिल अंबानी एक बड़े बड़े खरबपति और कितने छोटे तो मर गए, कईयों के तो हार्ट फेल हो गए। अब वो दिन रात तो मेहनत किए थे बेचारे और पहुंच भी गए बहुत दूर, फिर डाउन हो गए। और अगर नहीं भी हुए तो मरने के बाद तो जीरो, अब जा रहे हैं खाली हाथ। और स्वर्ग को कमाने में तो और कड़े कड़े नियम हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है बहुत बार, 6 साधनों से स्वर्ग मिलता है, 1 वेद मंत्र के 1 शब्द में 1 स्वर भी गलत हो जाए तो जजमानम मेहनति, जजमान का नाश कर देओ देवता, इतने भयानक हैं स्वर्ग के देवता। लेकिन भगवान के पाने में कुछ नहीं करना, सवेरे उठना पड़ेगा नहीं, अरे नहाना तो पड़ेगा, कर्मकांडी लोग सवेरे नहाते हैं नहीं नहीं, कोई खाने वाने का नियम नहीं नहीं, अरे किधर मुंह करके बैठ के से राम राम करेंगे, कुछ नहीं जी, चाहे जिधर मुंह करो,
न देश नियमस्त तस्मिन न काल नियमस्त तथा। तुम संसार में प्यार करते हो? हाँ जी खूब करते, मम्मी से किया, पापा से किया, बीबी से किया, पति से किया। तो क्यों जी, ये जो संसार से तुमने प्यार किया तो क्या पूरब की तरफ मुंह करके किया? क्या सवेरे नहा करके प्यार किया बीबी से? बताओ कौन से नियम का पालन करके प्यार किया? कहनो तो मन से करते हैं, नियम वम नहीं होता उसमें। तो बस ऐसे ही भगवान के यहां कायदा है, कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं करना, बस राम ही सुमिरिय, बस स्मरण करना है मन से, और कुछ करने ही नहीं। और मन तो सबके पास है। भगवान ये नहीं कहते कि धन से हमारी सेवा करो। अरे हम गरीब हैं, कहां से धन लावें? तो फिर तुमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं जिसके पास धन है और धन से सेवा नहीं करता उसको दंड दूंगा। तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुमको दंड काहे का? तुमको माफी है, खाली मन से करो। दोनों का एक फल है। जिसको हमने धन दिया है वो धन से भी करे, जिसको मैंने धन नहीं दिया उसके पास तन मन है, और जिसके पास तन भी न हो, पैर लंगड़ा है, टूटा है, हाथ भी नहीं है, मन तो है, बस मन से स्मरण करो, मैं मिल जाऊंगा। कितना सरल है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल महापापात्मा राम न कह सके जो, ऐसा वाल्मीक, ऐसा पापी आप लोग कोई ला के बता में इस समय 7 अरब में, जो राम न कह सके, गूंगा ना हो और बोल सकता हो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई फारसी, अरबी, रा और मा शब्द बोल सकता है, लेकिन उल्टा बोलेगा, सीधा नहीं बोल सकता। इतना बड़ा पापी, वो भी महापुरुष हो गया। केवल प्रेम करना। एक जगह तो भगवान के पाने में कोई नियम नहीं है, इसलिए बड़ा इजी है। मंदिर तो जाना पड़ेगा ना, ना। देखिए ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। प्रह्लाद ने कहा कि कोत प्रयासो सुर बाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, कहीं जाना नहीं है, बैठे हर समय। एक सेकंड को भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते। आप कुत्ते बने मरने के बाद, हाँ आपके साथ साथ जाएंगे, कुत्ते के शरीर में साथ साथ जाएंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। फिर आप कुत्ते के शरीर के बाद गधे के शरीर में गए, फिर साथ साथ जाएंगे भगवान। एक सेकंड को आपका साथ नहीं छोड़ते। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से भगवान व्यापक हैं। वृंदावन में बड़े भगवान नहीं है, बद्रिकाश्रम में बड़े भगवान नहीं है। ये जो आप लोग भागे भागे घूमते हैं, वैष्णो देवी, तिरुपति मंदिर, खोपड़ा मंदिर, वहां क्या होगा? अरे वो बड़े चमत्कारी भगवान है और बाकी भगवान गैर चमत्कारी है। कोई भगवान भी कई तरह के होते हैं।
इतनी अल्पज्ञता हमारे संसार में। पढ़ते हैं रामायण भी गीता भी, है ये चौपाई तमाम सबको याद है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन मंदिर में अपने बेटे से कहते हैं ए बदतमीजी न करो मंदिर है, तो बेटा कहता है मंदिर में बदतमीजी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भगवान बैठे हैं, बाहर करो बदतमीजी। उसने याद कर लिया कि बाहर भगवान नहीं रहते, खूब बदतमीजी करो। उसको ये नहीं सिखाया कि सब जगह है और तेरे अंदर भी है, नोट करते हैं तेरे आइडियाज, कर्म नहीं मन के विचार। तो भगवान को पाना बहुत आसान है, छल कपट रहित हो करके सर्वत्र सर्वदा उनको अपने साथ मान करके, उनको ही अपना सर्वस्व मान करके सेवा करना। और भगवत प्राप्ति के बाद भी सेवा मिलेगी भगवान की गोलोक में। ये सेवा शब्द इतना इंपॉर्टेंट है।